अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदन है और आज हम बात करने वाले हैं दो अहम चीज़ों के बारे में जिसमें अक्सर अवकात हम कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन किसको कहते हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, स्पेशली जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं और उसमें अपने ग्राफ्स बनाते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि एवरेज क्या है, लेकिन साथ में हमारे पास दो और ऑप्शन आ रहे होते हैं। अक्सर अवकात के स्टैंडर्ड डिविएशन को आप मेंशन करना चाहते हो विजुअलाइजेशन के अंदर, यानी कि उसको शो करना चाहते हो बार की सूरत में, या स्टैंडर्ड एरर को शो करना चाहते हो। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन दोनों में से अगर एक चीज़ को हमने चुनना है तो कैसे चुनेंगे। आज हम इन दोनों की डेफिनेशन के ऊपर कुछ बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में, इनकी डेफिनेशन में फ़र्क क्या है। लेकिन डेफिनेशन को हम देखेंगे नहीं, हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमने क्योंकि हम जब भी ये वाली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम मोस्टली हाइट्स की डेटा को या हाइट्स के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि हमने 5 लोगों का सैंपल लिया और हमने उसकी निकाल ली एवरेज। ठीक है, ये तो हम अच्छे तरीके से पता है कि हमने एवरेज किस तरह निकालनी है और एवरेज का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा की, उसमें हमने यहाँ पर एवरेज को शो किया, मीन को शो किया। ठीक है, तो हमने साथ में अगर हम ये देख लेते हैं कि डेटा किस तरह उस मीन के इर्द गिर्द डिस्पर्स हुआ हुआ है, यानी कि हर वैल्यू उस एवरेज से कितनी दूर है, हम इसको चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है कि हर वैल्यू उस एवरेज से उस कितनी दूर है, तो हम इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम एक ग्रुप की बजाय यहाँ पर 5 ग्रुप्स कर लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि 5 हमारे पास जूम के ब्रेकआउट रूम्स बने हुए थे और हमने हर ब्रेकआउट रूम से 5 5 लोगों से डेटा लिया उनकी हाइट का, और हमने एवरेज निकाल ली हर डेटा की, राइट, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ली हर ग्रुप की। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज भी आ गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया है। अब अगर हम इस तरह करें कि सारे एवरेजेस जो हमारे 5 ग्रुप के हैं उनको हम एक ही लाइन पे शो कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। यानी कि ये हमारे पास लाइन है, नंबर लाइन है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है हाइट्स की, और उस हाइट की ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है एवरेजेस की। अगर हम इस एवरेजेस के इन्फॉर्मेशन का भी एवरेज ले लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये हमें बता रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मीन्स। ठीक है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि एवरेज वैल्यू जो मीन हमारे पास आ रहा है उसकी क्या है, ये हो गई। और अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि एक एवरेज ऑफ द एवरेज, मीन ऑफ द मीन। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई है, वो कितना डिस्पर्स हो रहा है बाकी मीन उससे, तो हमने ये निकाल दिया। तो जो मीन है ये वाला और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उस मीन का, वो कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर। और अगर मैं इसको जनरलाइज करूँगा, मैंने अभी दोनों बातें क्या कही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमने सैंपल के अंदर वेरिएशन चेक की थी, और स्टैंडर्ड एरर है वो हमने आउटर सैंपल के उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ रही थी, हर हमने चेक कर लिया कि एक ग्रुप के अंदर हमारे पास कितनी वेरिएशन है हाइट्स की, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। और अगर मैंने हर एक ब्रेकआउट रूम का एवरेज निकाल के उसकी डिविएशन चेक की, तो मैंने स्टैंडर्ड एरर चेक किया, राइट। आपका काम यहाँ पर यह है कि आपने एप्लीकेशन बतानी है इसकी, कि स्टैंडर्ड डिविएशन की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है, या आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड एरर की, यानी कि एक एक आपने एप्लीकेशन उसकी देनी है। क्योंकि अक्सर अवकात जब हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम स्पेशली जब बार्स शो कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमने स्टैंडर्ड एरर को शो करना है या स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करना है। क्योंकि हम डेटा के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी यही होता है कि हम उसके अंदर डिविएशन को ही मार्क करें और उसको शो करें कि डिविएशन हमारे डेटा पॉइंट्स की क्या है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस जुमरे में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर को भी इस्तेमाल कर सकें। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसकी एक एप्लीकेशन अपने फील्ड से रिलेटेड या जनरली जो आपको समझ में आ सकता है या आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो लिखनी है,
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।